वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं के चल रहे धरने को लेकर आज पुलिस कार्यालय के सामने धरना दिया और कहा कि गहलोत सरकार छात्रों से डरती है, इसलिए बार बार पुलिस को आगे कर देती है। बिल्कुल, हमारी मांग है जिस तरीके से प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए महिलाओं के प्रति अत्याचार, बेरोजगारों की जो भर्ती नहीं हो रही है, समय पर एग्जाम ना होना और हमारे जो धरना चल रहा था उस धरने में हमारी मांगों को मानकर हमारे कार्यकर्ताओं पर जो FIR दर्ज की गई है उसको लेकर हमारा धरना है। हमारी मांग है कि छात्रों के साथ में न्याय होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये छात्र आप सभी के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आपको सभी ने चुन के भेजा है, आप इन छात्रों पर रहम कीजिए। आपसे मार्मिक अपील है मेरी कि इन छात्रों पर इस तरीके से लाठीचार्ज ना करवाइए। हम छात्र आपसे निवेदन करते हैं, आज हमारा यहाँ पर पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी जिला मुख्यालयों पर सभी जगह हमारा आज धरना रहा। हमारी धरने की यही बात है कि हमें हमारे अधिकार हैं, जो 5% बोनस है, छात्रवृत्ति चाहिए, बेरोजगारी भत्ता चाहिए, रोजगार चाहिए, MPED कराइए, शोध कार्य कराइए, ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर हमारे विषय को लेकर हमारा आज पूरे प्रदेशव्यापी जिला मुख्यालय पर हमारा धरना रहा है। हम लोग आज कमिश्नर सर से मिले हैं, उनसे सारी बातें हुई हैं, उनसे निवेदन किया है कि इस तरीके से हमारे जो छात्रों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर जो छोटे मुकदमे दर्ज किए वो वापस हों, और विश्वविद्यालय में जो हमारे चीफ डॉक्टर हैं उनको कल मिले हम गवर्नर सर से, राज्यपाल सर से, और मिलकर उन्हें हटाने की मांग की है। और हमारी ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए है। आखिरी समय तक छात्रों के लिए संघर्ष करेंगे। होशियार मीणा, प्रदेश मंत्री।